दोस्तों आज हम लोग जिस प्लान के रिगार्डिंग बात करेंगे उसका साइज है 25 फीट x 35 फीट। ये 97 गज में बना हुआ है। इसका स्क्वायर फीट है 875 स्क्वायर फीट और इसका बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्स 9 लाख पर यूनिट। ये फ्रंट साइड में रोड है, फ्रंट का डायमेंशन है 25 फीट, इस साइड का डायमेंशन 35 फीट, बैक का डायमेंशन 25 फीट और इस साइड का डायमेंशन 35 फीट। दोस्तों ये टोटल ग्राउंड टू टॉप फ्लोर का प्लान है। इस प्लान में सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर का डायमेंशन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर के प्लान के डायमेंशन से। ये फ्रंट साइड में रोड है, यहाँ मेन गेट दिया हुआ है, एक मेन गेट ग्राउंड फ्लोर के लिए डायरेक्ट यहाँ से इस रूम होकर के है और एक स्टेयर होकर के ग्राउंड फ्लोर के लिए और अपर फ्लोर के दोनों के लिए है। इस मेन गेट से जब हम लोग इन करेंगे तो ये सबसे पहले स्टेयर एरिया आ जाएगा। इसका डायमेंशन है 11 फीट x 11 फीट, इस साइड का डायमेंशन 11 फीट और इस साइड का डायमेंशन 11 फीट। एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 4 फीट का। ये डोर है अंदर जाने के लिए। इस स्टेयर में यहाँ से अप होंगे, यहाँ फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगा, इसके बाद और अप हो करके फिर सेकेंड लैंडिंग आ जाएगा, इसके बाद और अप हो करके हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। इस स्टेयर एरिया में दो विंडो दिए गए हैं, एक विंडो इस साइड में दिया गया है और एक विंडो इस साइड में दिया गया है रोशनी के लिए। ग्राउंड फ्लोर में इस मेन गेट से जब इन करेंगे तो यहाँ एक रूम आ जाएगा जिसका डायमेंशन है 11 फीट x 12 फीट 9 इंच। इस साइड का डायमेंशन 12 फीट 9 इंच और इस साइड का डायमेंशन 11 फीट। इस रूम में एक विंडो इस साइड में दिया गया है और एक विंडो इस साइड में दिया गया है। हम लोग इस स्टेयर एरिया साइड से या फिर इस रूम साइड से, यहाँ से या फिर इस डोर से जब इन करेंगे तो ये डाइनिंग स्पेस आ जाएगा जिसका डायमेंशन है 10 फीट x 11 फीट 4 इंच। इस साइड का डायमेंशन 11 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन 10 फीट। हम लोग बाथरूम की बात करें तो इस डाइनिंग स्पेस से इस साइड आएंगे तो यहाँ मैंने एक कॉमन बाथरूम दिया है जिसका डायमेंशन है 5 फीट 7 इंच x 7 फीट। इस साइड का डायमेंशन 7 फीट और इस साइड का डायमेंशन 5 फीट 7 इंच। इस बाथरूम में यहाँ एक वेंटिलेशन दिया हुआ है, ये डोर है इस बाथरूम का। हम लोग पूजा रूम की बात करें तो इस डाइनिंग स्पेस से, इस डोर से जब इन करेंगे तो यहाँ मैंने एक पूजा रूम दिया है जिसका डायमेंशन है 4 फीट x 7 फीट। इस साइड का डायमेंशन 7 फीट और इस साइड का डायमेंशन 4 फीट। एक विंडो दिया गया है इस पूजा रूम में, यहाँ पे ये डोर है इस पूजा रूम का। हम लोग किचन की बात करते हैं इस डाइनिंग स्पेस से, इस डोर से जब इन करेंगे तो यहाँ मैंने एक किचन दिया है जिसका डायमेंशन है 10 फीट x 5 फीट। इस साइड का डायमेंशन 10 फीट और इस साइड का डायमेंशन 5 फीट। इस किचन में यहाँ एक विंडो दिया हुआ है और ये डोर है इस किचन का। इस डाइनिंग स्पेस से, इस डोर से जब इन करेंगे तो यहाँ मैंने एक और रूम दिया है जिसका डायमेंशन है 12 फीट 4 इंच x 11 फीट। इस साइड का डायमेंशन 12 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन 11 फीट। इस रूम में यहाँ पर एक विंडो दिया गया है और एक विंडो इस साइड में दिया गया है, ये डोर है इस रूम का। हम लोग बगल वाले रूम की बात करते हैं। इस डाइनिंग स्पेस से, इस डोर से जब इन करेंगे तो यहाँ मैंने एक और रूम दिया है जिसका डायमेंशन है 12 फीट 4 इंच x 12 फीट 9 इंच। इस साइड का डायमेंशन 12 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन 12 फीट 9 इंच। इस रूम में यहाँ एक विंडो दिया गया है, एक विंडो इस साइड में दिया गया है, ये डोर है इस रूम का। इस प्लान में सभी वॉल 5 इंच के दिए गए हैं, ये 5 इंच है। आप इस प्लान में कॉलम दे सकते हैं, एक कॉलम यहाँ 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 पे है, एक कॉलम यहाँ भी दे सकते हैं, एक कॉलम यहाँ दे सकते हैं, एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे और एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ दे सकते हैं। इस प्लान में टोटल 12 कॉलम लगे हुए हैं। ये था दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का प्लान। इस प्लान में फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक ग्राउंड फ्लोर की तरह ही सारा डायमेंशन सेम रहेगा। यहाँ पर रूम है, यहाँ पे स्टेयर एरिया है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे डाइनिंग स्पेस है, यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे पूजा रूम है, यहाँ पे एक रूम दिया गया है और एक रूम यहाँ पे दिया गया है। सारा डायमेंशन सेम रहेगा ग्राउंड फ्लोर की तरह ही, फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक। ये था दोस्तों 15 फीट x 30 फीट का हाउस प्लान। उम्मीद है आपको ये प्लान भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।